वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हैं इन ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम में। तो पहली बात, ये वीडियो लिंक्ड है, एक और वीडियो बनाई हुई है मैंने, उसका नाम है द इनसाइड स्कूप, वो आप देखेंगे। उसके बाद उसका एक सेकेंड पार्ट ही है, इसमें आपको मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा कौन कौन से ज़रूरत है। ये ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम के अंदर आता है, तो मैं आपको रियलिटी में दिखाऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले है नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम ओंटारियो, जो एक्सप्रेस एंट्री पे आपको आया होगा, उसका प्रिंट लेके यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आता है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ की जो डायमेंशन रहती है वो आप एक्सप्रेस एंट्री वाली डाल सकते हो, पीआर के लिए ज़रूरत जो पड़ती है वो सेम आप डाल सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आता है पासपोर्ट। हाँ, पासपोर्ट में यहाँ पे होल पासपोर्ट रहता है, एक्सप्रेस एंट्री में होल नहीं रहता। यहाँ पे आपको सारा का सारा पासपोर्ट फ्रंट से लेकर बैक तक पूरा का पूरा स्कैन करके डालना पड़ेगा। स्टेटस डॉक्यूमेंट्स इशूड बाई IERCC, इसमें आपका अगर तो कोई किसी तरह का स्टूडेंट वीज़ा है या फिर आपका कोई ट्रैवल विजिटर वीज़ा है या किसी तरह का वर्क वीज़ा है तो आप डालोगे, नहीं तो नहीं। मेरा था तो मैंने डाल दिया। एजुकेशन में आप सर्टिफिकेट्स डालोगे, डिग्रीज डालोगे और जो भी आपने ECA करवाई होगी वो डालोगे। लैंग्वेज में आप अपना IELTS का जो भी सर्टिफिकेट हो रहा होगा वो डालोगे। रिज्यूमे, हाँ रिज्यूम एक, इसमें आपको रिज्यूमे बनाना पड़ेगा और रिज्यूमे में आपको अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालनी पड़ेंगी, वो आप अपने रेफरेंस लेटर से कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो। वर्क हिस्ट्री में आपको अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो उसका रेफरेंस लेटर, आप उसका बैलेंस शीट, कुछ भी आप एक्स्ट्रा है आपके पास वो डालोगे। अगर इसकी ज़रूरत आपके पास नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास टैक्स रिटर्न है आप वो डाल सकते हो, ऑप्शनल है। पे स्लिप्स है वो डाल सकते हो। सेटलमेंट फंड की बात करें, आप 6 मंथ बैलेंस शीट पास डाल सकते हो स्टेटमेंट। अगर 3 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है तो 3 मंथ डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेटर बैंक से बनवा लीजिए, जो एक्सप्रेस एंट्री वाला वही चलेगा, वो डाल दीजिए। अरेंज एम्प्लॉयमेंट कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है। और ये एक ऑप्शनल है इंटेंशन टू रिजाइड इन ओंटारियो, और ये मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, आप वो एक लेटर लिख के वो डाल सकते हो। उसके बाद बात आती है फैमिली डॉक्यूमेंट्स की। फैमिली डॉक्यूमेंट्स में आपको तभी अपलोड करना पड़ेगा अगर आप मैरिड हो और आपको आपके चिल्ड्रन हैं। तो जैसे मैं सिंगल हूँ तो मेरे को इस फील्ड में कुछ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था वीडियो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो।